नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता। अपने YouTube चैनल SPJSG एंटरटेनमेंट पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, रोजाना की तरह मैं अपने चैनल पर एक नए कलाकार, एक नए मेहमान से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है कि आज हमारे साथ बॉलीवुड के महान एक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव झा। नमस्कार सर। नमस्कार आप सभी को। और सभी को से आग्रह है कि सर के स्वागत के लिए तालियां बजा दें। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उषा झा मैम, हमारे चैनल की खास एंकर हैं जो धनबाद से जुड़ी हैं और आपका बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, गायत्री वोरा जी जो एक मॉडल हैं और हमारे चैनल की एंकर हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से संतोष कुमार यमराज जी। तो सभी सर को नमस्कार एक साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। 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 सबसे पहले मैं उषा झा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सर जो है बॉलीवुड से आए हैं और बिहार झारखंड की परंपरा रही है कि अपने गेस्ट जी हाँ। का भगवान की तरह लोग पूछते हैं, तो इनके लिए एक स्वागत गान हो जाए मैम, तो प्लीज एक स्वागत गान सर सुनाया जाए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है प्रिय मेहमान, स्वागत 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 है प्रिय मेहमान, स्वागत स्वागत स्वागत। हाथों में लेकर पुष्प हमें राह देखते हैं, हाथों में लेकर पुष्प हमें राह देखते हैं, आए हैं प्रिय मेहमान, स्वागत 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 है प्रिय मेहमान, स्वागत स्वागत स्वागत। सम्मान हम करते हैं प्रिय रत्न हो हमारे, सम्मान हम करते हैं प्रिय रत्न हो हमारे, चैनल भी वंदन करते हैं, यहाँ रोम रोम रोमांचित चैनल भी वंदन करते हैं, स्वागत 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 है प्रिय मेहमान, स्वागत 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 है प्रिय मेहमान, स्वागत स्वागत स्वागत। ओके वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बहुत, होता क्या बात, है। थैंक बहुत यू। बहुत 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 धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। जी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर सभी दर्शकों को यह बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कहाँ तक शिक्षा दीक्षा ली, जी हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखिए, मैं बेतिया पश्चिम चंपारण का रहने वाला हूँ। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर, आप बोलते जाएं। जी, वेस्ट चंपारण का मैं रहने वाला हूँ। वहां से एक सिकटा ब्लॉक है, तो वहीं का जी मैं बरदही बेहरी का रहने वाला हूँ। और मेरी पढ़ाई जी लिखाई हुई सर, है पटना आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ाई में। लिखाई। जी वही बता रहा हूँ मैं। मैंने बोर्ड तो किया है अपने गांव से ही, ब्लॉक से। फिर आगे की पढ़ाई मेरी पटना यूनिवर्सिटी से हुई है, मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया है। हिस्ट्री ऑनर्स हूँ मैं, पटना यूनिवर्सिटी से मैंने जी वहीं जी पढ़ाई की। जी चलिए, बहुत अच्छा। सर सर की पढ़ाई लिखाई पटना यूनिवर्सिटी से हुई है और हिस्ट्री भी ऑनर्स हैं सर। और सर ने बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो जानते हैं सर के बारे में, सर की कहानी, सर की ही जुबानी। तो मैं सबसे पहले मैं गायत्री वोरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से सवालों का सिलसिला जारी करें। गायत्री वोरा जी। हाँ जी।
बता सकते हो कि आपको मूवी में इंटरेस्ट कैसे आया और आप कहाँ से कैसे स्टार्ट किए कि आप स्टार्ट कर देखिए, चूंकि क्या है कि बड़े भैया प्रकाश झा हैं, फिल्म जी? डायरेक्टर जो जो गंगा जल अपहरण राजनीति जिन्होंने बनाई है, तो बचपन बहुत से अच्छी मूवी जी तो वो बड़े भाई हैं, बचपन से ही मैं उनको देखते आया हूँ। बाकी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के मनोज वाजपेयी साहब हैं, तो शुरू से कहीं ना कहीं से ज्यादा मतलब अटैचमेंट था इन लोगों से। और पढ़ाई जी लिखाई के दरमियान मुझे जी लगा कि चूंकि मैं वहां पे मेडिकल की तैयारी करता था, पटना में प्रिपरेशन करता था, तो सॉरी मैं गांव आया हूँ तो थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे, आप लोग माफ करिएगा, गांव नहीं कोई में बात गांव से ही बोल रहा हूँ जी, थोड़ी ठंडी लग गई है, जी आवाज से भी आपको लगता होगा। जी तो हाँ मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था, तो उसी बीच में एक दिन गया कालिदास रंगालय में, पटना बिहार आर्ट थिएटर, तो वहीं पे पंकज भाई लोग, पंकज त्रिपाठी वगैरह लोग एक नाटक की प्लानिंग कर रहे थे, तो ऐसे ही मैं नाटक देखने गया, तो पंकज त्रिपाठी जो कि हमारे एक तरह से गुरु कह लीजिए, हमसे सीनियर, हमारे सीनियर, तो उन्होंने बोला कि तुम नाटक जी करोगे, मैं बोला कि हाँ सर बिल्कुल करूंगा। तो फिर मैं वो नाटक कर रहे थे हम लोग, विजय तेंदुलकर का एक प्ले था, जात न पूछो साधो की, तो उसी नाटक में मैंने, मुझे मेन एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसी कैरेक्टर को करने का मौका दिया पंकज त्रिपाठी ने, और उसके बाद मैंने नाटक जी करने लगा। उसी बीच मैंने बिहार आर्ट थिएटर से एडमिशन लेकर के ड्रामा से डिप्लोमा भी किया, जी और फिर नाटक करता रहा करता रहा, 6-7 साल नाटक किया, फिर दिल्ली में चला गया, दिल्ली से नाटक किया। ये सब नाटक करने के बाद फिर मैं, मुझे लगा कि मुंबई जाना चाहिए, फिर मैं मुंबई चला गया तो जी। मुंबई में आपको मतलब कोई सबसे पहले ऑडिशन? सर आपको चांस जो है नाटक के माध्यम से पंकज त्रिपाठी ने दिया है ना? जी, पंकज भाई के साथ मैं जुड़ा नाटक में, हेलो। अच्छा जी, पंकज जी त्रिपाठी जी के साथ मैं जुड़ा। फिर हमारे मतलब हमारे मेन गुरु विजय कुमार साहब हैं, जो निमकी मुखिया में, जिन्होंने मुखिया का कैरेक्टर जी प्ले जो करते थे, तो वाह वो हमारे गुरु रहे हैं, चलिए और साथ में पंकज भाई भी थे, तो साथ में नाटक करते जी। थे हम लोग जी। जी मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि सर की एक फिल्म जो है वो ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई है, तो सर उसके जी बारे में बताएंगे। सर आपकी एक फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, वो कौन सी फिल्म है सर? ऑस्कर में जो फिल्म गई थी उसका नाम स्कॉटलैंड है, अच्छा उसमें मैंने जी एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि इंस्पेक्टर होता है, जो कि नेगेटिव होता है, और बहुत ही खुशी की बात है कि उस फिल्म को मेरे दोस्त ने डायरेक्ट किया था, और दोस्त ने ही लिखा भी था, जो फिल्म ऑस्कर में गई थी, तो उस फिल्म का मैं पार्ट बना, हिस्सा बना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात जी जी। सर आपके आपके जो मित्र हैं जो फिल्म को डायरेक्ट किए हैं उनका नाम क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, उनका नाम है मनीष वात्सल्य, हम लोग जब स्ट्रगल के दिनों में साथ में ही रहा करते थे, एक ही रूम में रहते थे हम लोग, तो मनीष ने पहले जी दशहरा फिल्म बनाई थी, और जीना है तो ठोक डाल, और ये तीसरी फिल्म थी स्कॉटलैंड जी तीसरी फिल्म थी स्कॉटलैंड। जी जी आगे मैं संतोष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर से कोई सवाल है तो करें। संतोष जी पूछिए पूछिए। सर यमराज सर। संतोष जी की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, संतोष जी उषा मैम आप सर से सवाल करें। उषा मैम जी सर जी, सर बोला जाए। आप आपने मूवीज में आने के पहले मतलब आपने क्या सोचा, आपका जॉब किस जॉब के लिए आप ज्यादा मतलब एम रखे थे, किस जॉब के लिए क्या देखिए, इसमें? देखिए, मेरा
जी, मैं वही बता रहा हूँ मैम कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं बायो से प्लस टू किया। जी बायो से इसलिए प्लस टू किया कि मुझे मेडिकल में जाना। जी तो मेडिकल का मैंने प्रिपरेशन भी किया, जी लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था तो मैं फिल्म लाइन में मैं चला गया। जी ओके सर। जी सर ये सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर, सेकंड क्वेश्चन ये है जी कि क्या आपके माता पिता ने इसमें इस लाइन में आने के लिए आपको प्रोत्साहित किया या नहीं नहीं किया? नहीं, सही बात है। देखिए, शुरू में जिस फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, मीडियम मध्यम वर्गीय फैमिली है हमारा। हम लोग कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है, तो शुरू में हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बैंकर बने, जो कि जी उनकी भी ख्वाहिश थी कि मेरा भी बेटा कुछ करे। तो शुरू जी में तो बिल्कुल सर। मतलब शुरू में तो वो लोग चाहते थे कि कुछ मतलब नौकरी वोकरी कर ले और बस यही सही रहेगा, लेकिन जी ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तो मैं गया था तो वही करने, लेकिन फिर मैं नाटक की तरफ रुझान हो गया। जब मेरे फादर जाने कि भाई तू ये तो नाटक कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करने गया है, तो फिर थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर वो, क्योंकि हमारे फादर डीडीओ थे, पढ़े लिखे आदमी अभी भी हैं, तो उन्होंने फिर बाद में मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं उसी लाइन में जाऊं तो उसी उसमें भी जाओ, तो शिद्दत से काम करो, बढ़िया से काम करो। जी, जी, तो ओके फिर सपोर्ट सर, करने लगे। ओके ओके, थैंक यू सर, ओके। जी जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री जी, आप करें। जी आप इतने बड़े एक्ट्रेस के साथ अपने काम किए हैं, लाइक पंकज त्रिपाठी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग एलजीबी जी एक्टिंग, तो बहुत ही अच्छे हैं मनीष वाजपेयी। तो आपको कैसा जी मतलब आप भी उन लोग के लेवल के हो, तो आप स्ट्रगल के बारे में शेयर कर सकते हो, आप किन के कैसे बारे आपके में? स्ट्रगल्स, आप कैसे इस मुकाम में पहुंचे हो? सो आपके लिए इजी था देखिए, क्या जो नहीं, इजी कुछ नहीं था, बहुत मतलब टफ जॉब था मेरा, क्योंकि हम लोग जी का कोई ये बैकग्राउंड था नहीं कि हमारे कोई गॉडफादर थे नहीं कि भाई मैं जाऊंगा फिल्म में, वो जाते ही मुझे काम दे देंगे। सात जी 6-7 साल नाटक करने के बाद, ड्रामा से डिप्लोमा करने के बाद, मुंबई में जाने पे ऐसा नहीं था कि मुझे जाते जाते काम मिल गया। फिर मैंने स्ट्रगल शुरू किया, डोर टू डोर डायरेक्टर से मिलना, प्रोड्यूसर से मिलना, जो हमारे सीनियर्स थे उनसे मिलना। धीरे 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 जी धीरे ये मतलब सिलसिला जारी रहा, और बहुत ज्यादा दिन तो नहीं लगा, लेकिन जल्दी ही मुझे काम मिल गया और मैं सीरियल जी करने लगा, केतन मेहता जी के साथ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केतन मेहता जी को आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने मंगल पांडे फिल्म बनाई थी, जी दशरथ मंगल मांझी बन दशरथ मांझी बनाई थी पांडे नवाज भाई के साथ। तो जी, केतन मेहता जी के बहुत यहाँ मैं बढ़िया। ऑडिशन दिया, केतन जी के यहाँ मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने वो जो राजीव गांधी के ऊपर जो सीरियल बनाए थे, वो जो राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, लिट्टे मार देते हैं, तो उसमें के मेनन थे, मैं भी था, और मैं उसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था। उसमें भी एक इंस्पेक्टर ही था जो कि नेगेटिव था, जो कि उस औरत को राजीव गांधी तक पहुंचाता है जो औरत ब्लास्ट अच्छा करती है, तो वो कैरेक्टर मेरा था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बस काम चालू हो गया। जी सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि सर आपके भाई जो हैं प्रकाश झा, जो बॉलीवुड के महान डायरेक्टर में उनकी गिनती होती है, उनकी संज्ञा है, तो क्या आपको अपने बड़े भाई की फिल्म में कोई आपने किया, आपके बड़े भाई ने आपको अपनी फिल्म में शामिल किए, उनका कोई सपोर्ट रहा आपके लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, समीर जी को आप जानते होंगे, समीर जी को जो गाना लिखते हैं, उनके फादर थे अंजान। तो अंजान साहब ने बोला कि मैं, चूंकि अंजान साहब बहुत बड़े
राइटर थे, आपको जानते ही हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे वो, तो उन्होंने बोला कि आप मेरा नाम लेकर के मुकाम मत बनाओ, आप खुद का मुकाम बनाओ, तो आप जाओ स्ट्रगल करो। तो समीर साहब को भी स्ट्रगल करना पड़ा, डोर टू डोर जाना पड़ा। और प्रकाश जी तो मेरे मतलब दूर के भाई हैं, वो तो सगे थे, लेकिन मुझे प्रकाश भाई से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने मतलब उनके साथ मैंने काम किया है, बाहुबली सीरियल वो एक बना रहे थे, तो उसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया है। बाकी फिल्मों में मैं उनके साथ मैंने काम अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके साथ काम करूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। सीरियल में किया है, फिल्म में नहीं किया। जी बहुत बढ़िया। मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि सर की जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके अपने कजन ब्रदर जो हैं प्रकाश झा हैं, जो बॉलीवुड के महान डायरेक्टर हैं, बट सर ने कभी उनका नाम लेकर के उनको बैसाखी नहीं बनाया उनके नाम नहीं, कभी नहीं। और खुद का मुकाम हासिल करना चाहते हैं और अपने टैलेंट के बदौलत भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि मुझे किसी का हेल्प मिले, किसी का सपोर्ट मिले, नहीं, नहीं, मैं अपनी जो मेहनत करूं उसी का मुझे फल मिले। तो ये जी, जी, बहुत और ये मुझे लाइक भी नहीं है, मैं इसको लाइक भी नहीं करता हूं कि मैं किसी के किसी का सपोर्ट लेकर के बढ़ूं। जी जी टैलेंट है तो जरूर बढ़ेगा। जी मैं सर जानना चाहूंगा कि सोम भूषण श्रीवास्तव सर को आप कैसे जानते हैं? सोम जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने एक फिल्म भी की है अभी हाल ही में। जी तो एक दिन मैं गया था एक ऑफिस में, मैं बैठा था वहीं पे सोम जी आए और सोम जी से हमारी मुलाकात हुई, एक लड़का था उसके थ्रू हुई। तो उसने बताया कि भाई मैं सोम जी को नहीं जानता था क्योंकि मेरा सर्कल अलग था, मेरा सर्कल था ये पंकज भाई, नवाज भाई, राजपाल यादव, हम लोग का वो सर्कल था। जी तो जो हम लोग थिएटर के जो जितने लड़के थे तो उस सर्कल में उठना बैठना, पृथ्वी थिएटर में बैठना, तो मिलाया सोम भाई से। उसके बाद जो मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात के बाद दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम लोगों ने मतलब काफी काम किया और आगे भी अभी कई काम मतलब काफी प्लानिंग है, काफी काम कर रहे हैं साथ में, करेंगे आगे। बहुत 7 साल पुराने मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे सर जो गेस्ट बन के आए हैं संजीव झा, आज सोम सर की बदौलत आज ये हमारे चैनल पे आए, क्योंकि इतने बड़े कलाकार तक हमारी पहुंच नहीं थी, लेकिन सोम सर की बहुत कृपा रही हमारे ऊपर और हमारे चैनल के ऊपर कि उन्होंने इतने बड़े स्टार को हमारे चैनल पे लाए हैं। इसलिए एक बार सोम सर के लिए ताली। और कुछ कमेंट्स हमारे दर्शकों के आए हुए हैं तो मैं उषा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली कमेंट्स को पढ़ दिया जाए। जी हाँ सर, राजा बाबू ने लिखा है नमस्कार संजीव भैया। ओके नमस्कार राजा बाबू। एस जी एंटरटेनमेंट ने लिखा है कि डायरेक्टर इज सात काम, किस उनको लिखना चाहिए, किस डायरेक्टर इज सात काम करना चाहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है सर। प्रज्ञा दीप जी, प्रज्ञा दीप उपनंद, प्रज्ञा दीप उपनंद लिखते हैं बहुत खूब संजीव भैया जी, जी बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद प्रज्ञा दीप, तुम लोग मेरे छोटे भाई हो और हमेशा बढ़ते रहो, खुश रहो भाई मेरे। जी जी ऐसे एंटरटेनमेंट ने लिखा है बहुत बढ़िया। ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय श्रीवास्तव जी ने लिखा है मैं श्री गुप्ता जी से यह जानना चाहूंगा 2 दिन तक आपके चैनल पर कोई भी मेहमान क्यों नहीं आए, आप इंतजार ही करते रहे, ऐसी बात नहीं है संजय जी? बीच में रेस्ट भी होता actually, है कभी-कभी। एक्चुअली मैं संजय जी को बतला देना चाहता हूँ कि अभी शादी का माहौल बना हुआ है और अभी भी इन्वाइटेड हूँ, अभी जैसे प्रोग्राम खत्म होगी मैं तुरंत प्रोसीड कर जाऊंगा, तो अभी शादी का माहौल है, 2 दिन मेरे भाई साहब भी आउट ऑफ स्टेशन थे इसलिए प्रोग्राम 2 दिन स्टॉप रहा। जी नेक्स्ट कमेंट। यस सर, एस एस झा ने लिखा है सिल्वर कप। संजय श्रीवास्तव जी ने लिखा है सभी को मेरा सादर नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव विदिशा
मध्य प्रदेश से। ओके संजय जी, आपको भी हमारे तरफ से नमस्कार। ओपीजी एंटरटेनमेंट धनबाद ने लिखा है, सभी को नमस्ते, हमारी ओर से आपको भी नमस्ते। एस जी एंटरटेनमेंट ने लिखा है, सभी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम आशीर्वाद दोनों साथ साथ। ब्रिजेश अग्रहरी ने लिखा है, हेलो एवरीवन। ओके हेलो ब्रिजेश जी। राजीव बेदी ने लिखा है, नमस्कार संजीव जी एंड गुप्ता जी। ओके थैंक यू राजीव जी, थैंक्स। अब हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जरूर जी। नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता धनबाद झारखंड से आप सभी को अपने YouTube चैनल SPJSG एंटरटेनमेंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मित्रों, हमारे दर्शकों, हमारे बंधुओं, हमारे सभी कलाकार बंधुओं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे आए। आपकी प्रतिभा मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। मेरा शो जो है डेली रात को 8 से 9 बजे तक चलता है, आप लोग डेली 8 से 9 रात्रि को देखना ना भूले। SPJSG एंटरटेनमेंट, हमारा नंबर है 8210325178। हमारे चैनल पे बॉलीवुड के कलाकार एवं क्षेत्रीय कलाकार दोनों कलाकार यहाँ पे आते हैं और अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को दिखलाते हैं। आपको जानेगी पूरी दुनिया कि आप कौन हो। थैंक यू, वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय गेस्ट। अब आगे मैं सर आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपकी एक फिल्म है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई आपको कैसे मिली? जी देखिए, ये बटरफ्लाई आपको कैसे मिली जी, और इसमें किस तरह का आपका रोल था? जी, बटरफ्लाई द चेज करके फिल्म है, ये जानू बरुआ साहब इसके डायरेक्टर हैं, जो कि अश्मीश डायरेक्टर हैं, और अपने फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में ये पहला डायरेक्टर है जिनको 9 बार नेशनल अवार्ड मिला है। वाह, इतना नेशनल जी, बहुत बढ़िया। काफी अच्छी मूवीज करते हैं। जानू बरुआ क्या बोल रही हैं यहाँ? काफी अच्छी मूवीज आई हैं उनके, मैं जानती हूँ जानू बरुआ जी। तो हाँ जी, हाँ जी, तो वो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। तो मैं ऐसे ही, उसके प्रोड्यूसर है अनीश वर्मा, तो वहां भी मैंने ऑडिशन दिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और हम लोग सिक्किम में शूट किए थे, डैनी साहब के रिसोर्ट में ठहरे थे वहां पे जाके सिक्किम में, और 2 महीने का शूट चला था, फरवरी में शूट किए थे हम लोग। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, उसमें मैं मेजर बना हूँ, मेजर मिलिट्री में, मिलिट्री का मेजर बना हूँ। बहुत बेहतरीन फिल्म थी जी, उसमें भी ऑडिशन के थ्रू मिला जी। सर अभी तक आपको फिल्मों के लिए, कोई फिल्म के लिए आपको क्या ऑडिशन के माध्यम से आप जाते हैं, या आपको डायरेक्ट आवाज कट रही है? आवाज बेस पे रखा जाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ सर, आवाज कट रही है सर, चले गए सर की नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मैं उषा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उषा मैम एक गाना हमारे दर्शकों को आप सुनाए। उषा मैम, कोई सा कोई गाना? जी सर, फिल्म जी सर सुना रही हूँ सर। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम में रे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में, नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना, आंख खुली तो तन्हा
काय अपना, तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम सहनाई, प्रीत बढ़ा कर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले, चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले, मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, वाह फूल वाह, बहुत तुम्हें भेजा बढ़िया, है तुम्हें। ओके सर, बहुत बढ़िया थैंक यू। लगा है। एक्चुअली सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए सर नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। और उषा झा मैम ने एक बहुत ही प्यारा गाना हम लोगों को सुनाया है, तो उषा मैम के लिए अगर कोई कमेंट है तो आप लोग करें, कैसा लगा गाना इसके बारे में बताएं। गायत्री जी, उषा मैम का यह सॉन्ग सुनकर के आपको कैसा लगा, अपनी बहुत फीलिंग्स अच्छा बताइए। लगा, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। लेकिन जी ये गाना मैंने सुना है कहीं पे, आप किसके गाने आप बता सकते हो? इतना सरस्वती याद चंद नहीं। मूवी है, ओके, सरस्वती चंद करके ऐसी कुछ है। सरस्वती चंद मूवी है, बहुत पुरानी फिल्म है जी। जी बहुत अच्छा कुछ सर। कमेंट आए हुए हैं, अब कुछ कमेंट को गायत्री जी आप पढ़ें। गायत्री जी, कमेंट्स को कुछ पढ़ें आप। एलजी एंटरटेनमेंट ने नाइस सॉन्ग गाया उषा जी, ओके बहुत थैंक यू। धन्यवाद। दूसरा कमेंट आया है विजय मालवीय सर से, उषा मैडम बहुत अच्छे गाने गाए आपने, तो थैंक यू सो ओके मच। विजय सर, दूसरा कमेंट आया है विजय मालवीय सर से, महाराष्ट्र से, सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। एजी एंटरटेनमेंट ने लिखा है, सर क्या आप अमिताभ के साथ काम करना चाहेंगे? तो ये क्वेश्चन हमारे गेस्ट के लिए है। तो जी जी सर हमसे जुड़ चुके हैं, चले गए। हाँ, कमेंट कंटिन्यू पढ़ा जाए। जी राजा बाबू ने लिखा, भैया क्या सॉरी मुझे थोड़ा हिंदी की प्रॉब्लम है। समरेश समसेरा, ओके मूवीज तो कब है, मतलब जानना चाहते हैं जी। सर की एक फिल्म, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि सर की एक फिल्म आने वाली है समसेरा, और यह यश राज बैनर के तले यह फिल्म बन रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बजट की फिल्म है, और इसमें सर की मतलब रोल है, बहुत ही बढ़िया रोल है। आप लोग इसे वेट करें एंड वॉच करें, यह फिल्म है जो यश राज बैनर के तले बन रही है।
सर का नेटवर्क काफी स्लो है, इस कारण वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मुंबई से अपने गांव आए हुए हैं बिहार, और वहां पे नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए हमारे दर्शक निराश ना हो। अब नेक्स्ट कमेंट को पढ़ा जाए। गायत्री जी, जी, राजा बाबू ने लिखा है कि छोटे कलाकारों के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल है। चैनल सो जी, थैंक यू राजा बाबू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। राजीव बेरी ने लिखा है, नमस्कार संजीव जी एंड गुप्ता जी। थैंक नमस्कार, नमस्कार राजीव यू। सो एलजी एंटरटेनमेंट ने बोला है, उषा मैम आपका सॉन्ग बहुत अच्छा हुआ था, सो नाइस सॉन्ग। थैंक यू एलजी एलजी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। नंबर वन चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रज्ञादीप उपानंद ने लिखा है, बहुत प्यारी ही आवाज की मंत्रीन है आप, इसका मैम आपके लिए। ओके, थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू। हेलो, सर, सर हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शकों सर का वेट कर रहे थे, तो इंतजार की घड़ियां जी खत्म हुई, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, लेकिन जानते हैं हम लोग सर के और भी जीवन के बारे में, इनके संघर्षों के बारे में। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि यश राज बैनर तले एक फिल्म आपकी आ रही है, तो वो कौन सी फिल्म है जी सर, हमारे दर्शकों को बताएं, कब आएगी? मैं यशराज की एक फिल्म कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है शमशेरा, जी और ये फिल्म शायद 2021 में आ जाएगी। 2021 में आ जाएगी। जी तो जी, तो इसमें आपकी आपकी भूमिका किस तरह की है, निगेटिव या पॉजिटिव रोल में हैं आप? देखिए, ये फिल्म है बहुत, मतलब पीरियड फिल्म है ये। आप बाहुबली देखे थे, जी ये उसी तरह की बहुत ही बड़ा कैनवास, मतलब काफी कैनवास बड़ा है इसका, बहुत बड़ी फिल्म है जी ये। तो जी इसमें रणबीर कपूर हैं और संजय दत्त साहब हैं, तो संजय दत्त साहब उसमें विलेन है, अच्छा, और उनके ही हम सिपाही हैं। सर को अधिकतर रोल सिपाही का ही मिलता है, पुलिस से रिलेटेड सर को रोल मिलता है। जी हाँ, उसमें मतलब आप कह लीजिए राइट लेफ्ट हैंड हम लोग हैं संजय दत्त जी जी। सर, सर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपकी जो फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली आप बताए, और आप फिल्मों में आए, आपने ये प्लस टू तक साइंस से आपने किया, तो आपके जो विजन, मेन विजन जो था वो क्या था, कि आप फिल्म में ही आएंगे या फिर आप मेडिकल क्षेत्र में जाने का जो था मनसा वो आपके आपकी थी, मेन देखिए, मैं विजन क्या पहले भी बता था? चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ मैं उषा मैम को, जिन्होंने उन्हें क्वेश्चन किया था मुझसे, कि शुरू में मैं मेडिकल का प्रिपरेशन करता था पटना में, जी और हर हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, तो वही करने मैं भी गया था, लेकिन मैं नाटक में चला गया और फिर फिल्म की तरफ मेरा झुकाव हो गया, और फिर मैं फिल्म ही करने लगा और नाटक फिल्म ही सर, करने लगा, सर मैं मतलब मेरा रंगमंच मेरा से जो जुड़ गया। सवाल है सर, कि आपके पैर हर हर माँ बाप चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन आपका जो है बचपन की दिली इच्छा, मतलब आप दिल से क्या बनना चाहते थे वो बताइए। देखिए, बचपन से मैं फिल्म में ही जाना चाहता था। फिल्म में ही जाना चाहते थे। हाँ, मैं चाहता था कि मैं कलाकार ही रहूं, क्योंकि गांव में, आप गांव में रहे होंगे, तो गांव में ड्रामा होता था पहले, नाटक, पर्दा खींचने वाला, बंद करने वाला रस्सी से। तो जो गांव का जो नाटक होता था, जैसे कि एक मिनट, सॉरी मोबाइल गिर गया मेरा। तो गांव में मैं नाटक से जुड़ा, तो उसमें लव कुश, अर्जुन प्रतिज्ञा, इस तरह का नाटक हुआ करता था पहले। तो शुरू से मेरा, बचपन से ही मेरा, मतलब मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं
कलाकार बनूं, और जो कि ऊपर वाले ने सुन लिया और मैं अभी मतलब कर ही रहा हूँ काम आप लोगों के आशीर्वाद से। चलिए बहुत बढ़िया जी। सर, एक सवाल और है कि आप एक कलाकार बने तो आपके फैमिली में और भी जो लोग हैं वो कहते हो कि संजीव भैया मेरे को भी कलाकारी करनी है तो आप भी मुझे लिफ्ट करा दो, तो आपने किसी को लिफ्ट कराया है या नहीं? देखिए मेरे फैमिली से तो कोई नहीं आया है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में मेरे अगर होल फैमिली में देखिए तो हम दो ही हैं, एक प्रकाश झा एक मैं, मतलब हमारे फैमिली में। बाकी अभी मेरा एक भतीजा है इस साल आईआईटी मतलब क्या बोलते हैं उसको आईआईटी का कंप्लीट कर गया, वो अब उसका उसकी पढ़ाई होगी। हाँ जो एडवांस होता है आईआईटी एडवांस कंप्लीट किया, तो सब टोटल जो लड़के हैं सब नवोदय में पढ़ते हैं हमारे घर के बच्चे, पढ़ाई का माहौल है, एक मैं ही निकल गया बस आवारा समझ गए तो बाकी सारे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और हमारे फैमिली से हम दो हैं। बाकी मतलब लड़कों का फोन आता है कहीं, कभी पूर्णिया से कभी झारखंड से भी कई बच्चों का फोन आता है, मतलब हर जगह से फोन आता है, बिहार से ज्यादा आता है, मिथिलांचल से ज्यादा आता है। तो मैं चाहता हूँ, अगर मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई तुम इस फिल्म मतलब इस फील्ड में आना चाहते हो एकदम बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारा बैकअप है इसमें आने के लिए? आपका बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आपके आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं जाऊंगा और मेरा अर्न होने लगेगा, अदरवाइज मुंबई में रहना आप सभी लोग जानते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत ही ज्यादा। तो बैकअप हो, बैक मतलब पीछे से अगर सपोर्ट हो, बैकअप हो तो ही आप मुंबई में आइए, अदरवाइज बहुत स्ट्रगल है, बहुत ही स्ट्रगल है। आप किसी को देख करके मत आइए कि हाँ ये मनोज वाजपेयी बन गए, प्रकाश झा बन गए तो हम भी बन जाएंगे, ये नामुमकिन है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप कैपेबल हो कि मतलब यू कैन डू इट, मतलब आप कर सकते हो तो ही आप आओ, अदरवाइज फॉरगेट इट। नेक्स्ट सवाल उषा झा मैम आप सर से सवाल करें। उषा झा मैम जी, सर आपने अपना जो लाइन को चुना मूवी में, तो क्या आपको कितना वक्त मिलता है कि आप गांव गए और मतलब क्या गांव आपको बहुत अच्छा लगता है, मेरा क्वेश्चन है। मैम देखिए क्या है कि गांव सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपनी मिट्टी जो है ना, अपनी मिट्टी सबको प्यारी होती है, अपना घर अपना परिवार सबको अच्छा लगता है ना। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी गांव में रहूं और अपने लोगों के बीच में रहूं, और मैं तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि अगर ऊपर वाले ने कुछ दे दिया तो गांव के लिए कुछ करूं, यहाँ पे लड़कों को लेकर के कुछ करूं, उनको उनको मतलब जो लड़के भटक रहे चाहे या फिर चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो अगर मैं उतना कैपेबल अगर हो जाऊं तो मैं ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चों को आगे मतलब बढ़ाऊं, उन्हें बताऊं कि सिनेमा क्या होता है, सिनेमा के बारे में उन्हें पढ़ाऊं, उनको उनको गाइडलाइन दूं जो हमें नहीं मिला, हमें किसी ने नहीं दिया। जी जी बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है कि अपने गांव के अपने एरिया के बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दें फिल्म के सिनेमा के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में बताएं कि सिनेमा क्या है, इसमें कितना स्ट्रगल है, कैसे आप सीख सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा सर सोच रखते हैं कम से कम। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक थिएटर कलाकार और एक जो बिना सीखे वो फिल्म में जाते हैं तो किनको आसानी होती है वर्क करने में? सर देखिए, आप आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आप कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं सर, अगर आप पत्रकारिता में ही हैं तो जब तक आप पढ़े लिखे पत्रकार नहीं होंगे, पत्रकारिता में भी जाने के लिए आपको मास कम्युनिकेशन चाहे बढ़िया इंस्टीट्यूशन मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपकी पढ़ाई जरूरी होती है, और उसके बाद भी आपका एक मतलब ऐसा सर्कल होना चाहिए जहां से आप राइज करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई लड़का या कोई बच्चा या बच्ची चाहता है आना इस फील्ड में, तो उसको सबसे पहले अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। थिएटर के कलाकार जो होते हैं ना, उनको
उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरा बिल्डअप रहता है, बूस्टअप रहता है, क्योंकि वो काफी स्टेज पे काफी वर्क कर चुके होते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे, डिक्शन पे, हर चीज पे, तो उनको कैमरा फेस करने में उनको तकलीफ नहीं होती है। और जो नॉन थिएटरियन जाते हैं तो उनको अब शुरू से उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वहां पे मुंबई में आपको पढ़ाने के लिए कोई नहीं बैठा है, वो ऑलरेडी ट्रेंड एक्टर को खोजते हैं, तो यही इसीलिए थिएटर वाले को फायदा होता है। तो कहीं भी जाइए, तो आपने आपने सर आपने आपने नाटकों में काम किया, लेकिन आपने कभी किसी थिएटर से आपने जुड़े? देखिए, नाटक थिएटर का मतलब, थिएटर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं गुप्ता जी? थिएटर का मतलब हुआ रंगमंच जी। थिएटर का मतलब गुलाब गुलाब आप सर जिस 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 नाटक मंडली से जुड़े उसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम तो होगा? हाँ, हम जिस संस्था से जुड़े थे उस संस्था का नाम है, दो संस्था, एक तो है बिहार आर्ट थिएटर, आर्टिस्ट कैरेक्टर इसके ब्लड क्या लिखे फर्क गया दी। हाँ, तो जो मैं बिहार आर्ट थिएटर से मैंने ड्रामा से डिप्लोमा किया जी, और फिर उसके बाद जो पंकज त्रिपाठी विजय कुमार जो थे, तो उनका विजय कुमार साहब का एक ग्रुप था मंच आर्ट ग्रुप, मंच आर्ट, फिर वहाँ हाँ मंच आर्ट ग्रुप का मैं मतलब क्या बोलते हैं, मैं कलाकार रहा हूँ मंच आर्ट ग्रुप से। उसके बाद फिर मंच आर्ट ग्रुप से काफी दिन 6-7 साल तक मैं नाटक किया, फिर मुंबई में गया, फिर मैं मनोज वाजपेयी के ग्रुप के साथ अक्षरा आर्ट थिएटर, मनोज वाजपेयी, ज्ञानदेव भैया, ज्ञानदेव मनोज त्रिपाठी जी जो है, उनके साथ हमने नाटक किया। तो नाटक काफी किया मैंने, और उसके बाद फिर फिल्में भी करता था, नाटक भी करता था। सर आपने कभी नुक्कड़ नाटक किए हैं? जी ऑफ कोर्स किए हैं, बिल्कुल किए हैं नुक्कड़ नाटक। मैं एक नाटक करता था औरत, और एक एक नुक्कड़ नाटक किया था मैं जहाँ पे हम लोगों की पिटाई भी हो गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल। जी मैं प्रकाश मैं बताता हूँ, अंधेरी स्टेशन पे, अंधेरी ईस्ट में, तो हम लोग एड्स अवेयरनेस पे एक नुक्कड़ नाटक करते थे, HIV पे। तो विदाउट परमिशन आप कहीं पे नाटक नहीं कर सकते, चाहे वो गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, आप जहां भी मुंबई में करना है आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग विदाउट परमिशन क्या किया, अपना ढोलक उलक मतलब झाल उल लेकर के पहुंच गए अंधेरी ईस्ट में और नाटक करने लगे। तब तक मुंबई पूरी आ गई, बोली हाँ क्या करते हो तुम्हें, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग, परमिशन है क्या? तो परमिशन तो था नहीं, WHO का था नाटक, लेकिन परमिशन नहीं था, WHO का था लेकिन परमिशन नहीं था, परमिशन लेना अनिवार्य था हम लोग को लेना, चूंकि अंधेरी ईस्ट या वेस्ट बहुत रश वाला एरिया है, काफी भीड़ होती है, काफी भीड़ हो गई जी। तो पुलिस ने पुलिस हम लोग को पहले भगाना चाहिए, नहीं भागे तो 2-4 डंडा दे भी दी, भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, परमिशन लेके फिर नाटक होगा। तो हम लोग अपना झाल झाल मजीरा सब लेकर भागे वहां से, नुक्कड़ नाटक मैंने किया है, काफी किया है। लेकिन नुक्कड़ नाटक करने का एक मजा अलग है जी। जी मैं सर आपको बता देना चाहता हूँ कि उषा मैम, उषा झा मैम जो भी है अभिनेत्री है, और हमारे साथ कई जगह इन्होंने नुक्कड़ नाटक में काम किए हैं, और झारखंड की कई मूवी में इन्होंने बतौर अभिनेत्री काम किए हैं। बहुत तो, बढ़िया, बहुत बहुत मतलब आपको मेरे तरफ से बधाई, कांग्रेचुलेशन जी। और मैम ने VRS दिए हैं, रेलवे में जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी 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 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक बेटा बहुत लेट से हुआ, तो उसकी परवरिश के लिए मैंने VRS ले लिया था। ओह अच्छा जी, उसकी परवरिश के लिए मैंने VRS ले लिया, और अभी भी मैं सारे फायदे उठाती हूँ रेल के, मुझे मिलते हैं सारे फैसिलिटीज। जी 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 अभी बेटा कितना बड़ा है? अभी सर वो 17 साल, 18 में गया है। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए झारखंड में हम आएंगे कभी, धन्यवाद, तो आप लोग से मिलेंगे जरूर। बिल्कुल सर, सर हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है सर। सर देखिए, अगर एक क्वेश्चन सर, वो क्वेश्चन ये है कि आपके लिए कमेंट आया है सर कि आप बहुत बड़े संगीत के
साधक हैं, संगीत के आप साधक हैं, ये कमेंट आया है। इसका मतलब कि आप या तो क्लासिकल या तो सुगम के साधक हैं, तो आप हमें सुनाएं सर प्लीज दो चार लाइन। देखिए मैं बहुत मतलब मैं गाना तो गाता हूँ, मैंने सुरेश वाडकर जी से तालीम भी लिए गाने की जी। लेकिन लेकिन मतलब जो मेरी वॉइस है ना अभी 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 जी, जो है थ्रोट 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 हाँ, तो, ये लग रहा है जो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है मुझे जी, तो शायद बढ़िया ना गा पाऊँ, मतलब बड़ा ही बेसुरा टाइप का लगेगा आप लोगों को, लेकिन गाता हूँ बढ़िया, मैं इतना मैं बता रहा हूँ क्योंकि नाटक उटक में मैं गाता था। साधे के लिए कुछ ठीक है सर, थोड़ा जैसा भी गाएं हमें मंजूर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या सुनाऊं आप लोगों को मैं, ये जरूर प्रज्ञा दीप ने बोला होगा लिखा होगा। प्रज्ञा दीप जो लड़का है जो आपको ये लिखा है वो खुद ही इंजीनियर है, वो आपके यहाँ शायद अभी कहाँ पे है, जमुई में है वो, जेई है शायद, जूनियर इंजीनियर है जी सर। तो मैं कौन सा गाना सुनाऊं आप लोगों को, मैं समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी सर सुनाइए ना सर, जो आपको इच्छा हो। आवाज बड़ी बैठी हुई है मेरी, लेकिन आप लोग अच्छा लगेगा नहीं इसलिए अगर सर चूसिए स्टेप्सिल स्टेप्सिल एंटीसेप्टिक भी है स्टेप्सिल जी जी अच्छा स्टेप्सिल मैं दवा दवा मैं मंगाया हूँ दवा कॉप्सिल स्टेप्सिल या कॉप्सिल, मैं मेडिकल में थी सर, मैं मेडिकल में थी, जॉब मेडिकल में था जी। चलिए सर गाना है याद तो सर एक सुना दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक लोग या कोई डायलॉग डिलीवरी कर दीजिए, डायलॉग दे दीजिए वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बोल रही है डायलॉग डायलॉग डिलीवरी में अपनी फिल्म का कोई बेहतरीन डायलॉग। एक मैं सीरियल करता था जी। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, उसमें मैं नेता हूँ, नेता बना हुआ हूँ, उसमें डायलॉग शुरू होता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभित्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजम्यहम् प्रत्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुश्रुत धर्म संस्थापनाधाय संभवामि युगे युगे। गीता पढ़ते हैं आपके महाभारत की, पढ़ा कीजिए, गीता पढ़ने से चित्त को शांति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए श्यामा देवी आइए, आप जब भी आती हैं बुरी खबर लेकर आती हैं और पानी मेरे सर से निकल जाता है, गधे हैं आप, उसे रास्ते से हटाएंगे अमर हो जाएगा, चौक चौराहों पे प्रतिमाएं बन जाएंगी उसकी, दीवारों पे तस्वीरें लटकने लगेंगी, अब उसे बोलते हैं रास्ते से हटाएंगे। क्या किया आप लोगों ने हमारे पार्टी के लिए, जाइए घर घर घूमिए, डोर टू डोर कंपेनिंग करिए, किसी भी हालत में मुझे इस बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए मुझे शाम दंड भेद चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए बोलता हूं गीता पढ़ा करिए, चित्त को शांति मिलती है। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सर एक बार बिहार का मुख्यमंत्री के लिए आवेदन करिए। नहीं 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 सर, हमारे मुख्यमंत्री सही हैं लोग, लोग कलाकार आदमी जी, बहुत अच्छा एक्टिंग का। अब ये कोई मूवी का डायलॉग है, कौन सा मूवी का डायलॉग? ये मैं एक सीरियल करता था बिट्टो, अच्छा तो उसी का ये डायलॉग था मेरा, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो। थैंक यू जो अब उस गायत्री जी आप सर से सवाल करें, गायत्री जी जी सो लिखा था कि हिस नाम का कोई मूवी आया भी आपने किया था, तो उनके बारे में आप बोलना चाहते हैं? कौन सी मूवी? हिस हिस
हिश, हिश मतलब वो ये होता है ना सांप का जो फुफकार होता है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये हॉलीवुड की डायरेक्टर हैं जेनिफर लिंच, ओके आप लोग, इनके फादर थे डेविड लिंच, जिसको जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, उनकी बेटी थी जेनिफर लिंच। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी इंडिया में आकर के, उसमें मल्लिका शेरावत, इरफान भाई, इरफान खान, उसमें मैं भी एक छोटा सा कैरेक्टर में था। तो वो अच्छा, फिल्म मैंने जेनिफर लिंच जी के साथ किया था, हिश। ओके ओके, देखा है मैंने वो मूवी। हाँ तो उसमें आप मुझे देखेंगे व्हाइट कुर्ता में मैं हूँ, और मैं बोलता हूँ वहां पे कि अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को तो पैसे से मतलब है। वो सांप अच्छा को पकड़ने के लिए अपने सांप को बेच देता हूँ, जब मेरा मर्डर हो जाता हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे से मतलब ये फिल्म का डायलॉग है, फिल्म का डायलॉग है। चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और इसी तरह से मुझे भी आप अच्छा लग हंसते रहा रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत अच्छा लगता है। सर जी। आप यह बताएं सर कि आपके फैमिली में कौन-कौन है सर? देखिए मैं तीन भाई हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ, और मुझसे छोटी एक बहन है जो कि टीचर जी है। लिखा है प्रज्ञा देव, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मतलब गाना गाने के लिए बोल रहा है। गला बजा हुआ है भाई मेरे, फंसा हुआ है गला। लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं सर, आप गा अच्छा दीजिएगा तो सबको चैन और सुकून मिलेगा। चलिए मैं दो लाइन गा ही देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। जी सर, मैं दो लाइन गा ही देता हूँ, नहीं तो ये छोड़ेगा नहीं लड़का मुझे। यस सर, बिल्कुल। एक ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक हो मेरा दिल तोड़ेगा, हे लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। बस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत सर, जादू है सर। सर मैं बढ़िया गाता लेकिन आवाज बहुत बैठ गई है मेरी। सर लगा लेकिन कि आप साधक हैं, आप साधक हैं, थैंक यू मैं थैंक यू पकड़ थैंक ली। यू सर मैम, थैंक यू मल्टी थैंक यू मैम, थैंक टैलेंटेड यू। पर्सन है, बस मल्टी बस टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। आप लोग का आशीर्वाद है गुप्ता जी। जी सर, मैं बहुत आपसे सुंदर, जानना चाहूंगा कि सर अभी आप एक्टिंग कर रहे हैं, अभी एक्टिंग के क्षेत्र में आपने बहुत कुछ कर चुके, आगे भविष्य में सर क्या आप डायरेक्शन के क्षेत्र में भी आना चाहेंगे? सर मुझे ना नेता बनने का बड़ा शौक है, मैं चाहता हूं कि इलेक्शन लड़ने के बाद, और मैं बिल्कुल मुझे पता नहीं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये नहीं मालूम है, लेकिन मैं जी चाहता हूं कि एक बार इलेक्शन लड़ूं जरूर। इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहता हूं, वो भी सामाजिक कार्य के लिए, कि मैं कुछ जीतूं तो मैं देखता हूं कि भाई हमारे यहाँ ही जो विधायक होते हैं या फिर जो भी मतलब एमएलए एमपी होते हैं, वो खुद की संपत्ति बढ़ाते हैं, क्षेत्र पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक बार अगर जनता मुझे जिता दे तो मैं क्षेत्र के लिए कुछ करूं, ये मैं कुछ करना चाहता हूं। लेकिन अब भगवान जाने सर, आप लोग का अगर दुआ आशीर्वाद रहेगा तो जरूर होगा जरूर सर, जी। जो बिल्कुल होगा समाज के सर, लिए कुछ करना चाहते हैं तो जनता आपको पूरी सपोर्ट करेगी, और आप आगे जरूर बढ़िए, एक बार कम से कम एक बार जरूर ट्राई करिए आप। करूंगा सर, जी आप लोग का सहारा लूंगा, आप लोग का साथ रहेगा तो जरूर होगा। और जानते हैं जी मैं इसलिए चाहता हूं कि जब भी मैं गांव में आता हूं ना, या फिर कहीं जाता हूं, तो हमारे यहाँ जो लड़के हैं जो हमसे आके मिलते हैं, वो इतने टैलेंटेड हैं सर, मतलब किसी भी क्षेत्र में वो इतने टैलेंटेड लड़के होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार अगर इन लोगों को मतलब इनके लिए सरकार कुछ करे, कुछ मतलब जी जगह जगह मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक में कुछ मतलब इस फील्ड से भी रिलेटेड कोई संस्था कुछ मतलब इंस्टीट्यूट खोले तो बहुत बेहतर चीज होगा, जो कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। जी
कला के क्षेत्र को सबसे पीछे देखा जाता है, बाकी सब जी क्षेत्र को आगे बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल जी जी सर, जी सर ये जो फिल्म क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं तो सभी को अधिकतर लोग कहते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र के और भी कई क्षेत्र के इसको हेय दृष्टि से देखते हैं, मतलब एक अलग दृष्टि से देखते हैं, अरे यार ये सब नौटंकी बाज है। तो कभी आपको किसी ने कहा है इस तरह से? सर घर में ही लोग बोलते हैं किसी को छोड़िए कि नचनिया बजनिया जी हो गई, एकरा पढ़ पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन के नचनिया बजनिया हो गई जी पर मैं उसका सर, मैं आप तो उसको एक्टिंग अपना में आए सर, आप तो एक्टिंग में आए, क्या कभी जी आपकी धर्म पत्नी कभी बोली कि जी मुझे भी एक्टिंग करना है, मुझे भी एक्टर बनना है? सर वो कभी नहीं बोली मुझे, वो एक्टिंग कर ही नहीं सकती है वो मतलब अभी उन्होंने बीएड कंप्लीट किया है जी और दो बेटी है छोटी छोटी मेरी, तो वो उन्होंने कभी नहीं बोला कि मुझे एक्टिंग करना है, वो प्रोत्साहित करती है कि आप करिए बढ़िया से। हाँ लेकिन जी लेकिन जज बहुत बढ़िया करती है वो, यहाँ नहीं यहाँ पे गड़बड़ है यहाँ पे ठीक था, ये सारी चीजें जजमेंट जजमेंट बहुत तगड़ा है जी। जी सर आप, जी आपका सर। अभी तक किस हीरो के साथ काम करने का ड्रीम है जो आपको लगता है कि मैं इनके साथ काम कर लेता एक बार तो मेरा जीवन जी सफल हो जाता? सर ड्रीम तो बहुत सारा है लेकिन मैं चाहता हूं कि सदी के महानायक जो अमित जी हैं उनके साथ काम करने का ड्रीम सबका होता है, तो मैं भी जी चाहता हूं कि मैं पीछे न रह जाऊं, भगवान एक बार मौका दे दे तो मैं अमित जी के साथ एक बार काम, एक बार स्क्रीन शेयर करूं। सर, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे एक ऐसे शख्स भी आए जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे मनाते हैं, ओके 35 टाइम्स से ज्यादा उन्होंने बर्थडे मनाया है, बेदी साहब। अच्छा उनका पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूँ, बेदी साहब नाम है तो वो, ओके और उन्होंने राजीव बेदी उनका नाम है, और 35 टाइम्स जी उनका अमिताभ बच्चन साहब से गए अच्छा मिले, और उन्होंने मुझे कहा है कि आगे वो बहुत सारे लोगों को मिलवाते हैं, जैसे अभी अच्छा हमारे चैनल पे आए हुए थे पुणे महाराष्ट्र से विजय मालवीय सर, वो लुक लाइक अमिताभ बच्चन है, उनको भी उन्होंने प्रॉमिस किया, बहुत लोगों को प्रॉमिस किए हैं, और हो सकता है जी कि जरूर अगर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपकी बात उनका अमिताभ बच्चन साहब तक तो जरूर पहुंचाएंगे, ऐसा उनमें एक जी जरूर जुनून जरूर है, हमारी उनसे मैंने पूछा था हाँ कि अगर जी वो जी इतने दीवाने हैं पर कि उनसे मैं पहुंचा दें तो पूछा था बहुत कि अच्छी अगर बात अमिताभ बच्चन कहें कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बिना कोई लिखा पढ़ी का, तो बोले मैं दे दूंगा है। अरे क्या बात है, वाह जी, ऐसे बहुत दीवाने हैं बढ़िया जी 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 आगे जी बोला जाए। आगे कुछ कमेंट आए हुए हैं, गायत्री जी रिक्वेस्ट है कमेंट को पढ़ दिया जाए। जी पढ़ दीजिए सर। दास फिल्म ऑफिशियल ने लिखा है अमित साहब, तो थैंक यू। प्रज्ञा दीप जी ने लिखा है, भैया हमेशा हमेशा से हम लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं, थैंक यू जी सो मच। नमस्कार आगे का कमेंट उषा झा मैम पढ़े, क्योंकि तो थोड़ा सा उनका नेटवर्क स्लो है। जी उषा सर, झा मैम प्रद्युमन 9670326186 सिंह जी ने कहा है, वाह भैया जी आज मुझे पता चला कि आप गाते भी हैं, बहुत ही अच्छा लगा आपका गाना सुन के, बहुत ही अच्छी आवाज है आपकी, बिल्कुल सही कहा है आपने प्रद्युमन, थैंक थैंक यू प्रद्युमन यू। थैंक यू प्रज्ञा दीप उपनंद ने कहा है, भैया को भाभी भाभी विधायक पहले ही बोलकर शुभकामना दे चुका हूँ, ओके प्रज्ञा जी थैंक यू। जय मालवीय सर ने लिखा है, जी जी आप अमिताभ सर से मिले हो क्या?
उन्होंने क्वेश्चन किया है विजय सर। नहीं विजय जी, मैं अमित जी से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार फिल्म सिटिंग में शूटिंग कर रहा था तो अमित जी का किसी एड का शूट चल रहा था, तो मैं बहुत नजदीक गया था, मैं मिलने वाला था, तब तक पीछे से असिस्टेंट आकर के बोला सर आपका सीन आ गया है, तो फिर मैं चला गया, नहीं तो मैं उस दिन अमित जी से मिल लेता। ओके सर, नेक्स्ट कमेंट। दास दास फिल्म्स ने ऑफिशियल में लिखा है, नमस्कार संजीव झा सर। ओके संजीव सर के तरफ से नमस्कार दास। ओके थैंक यू। दास फिल्म से ऑफिशियल ने लिखा है, नमस्कार उषा मैम। ओके नमस्कार दास फिल्म से ऑफिशियल। ओके थैंक यू। मेरे तरफ दास फिल्म से ऑफिशियल ने लिखा है, नमस्कार गुप्ता जी। गुप्ता सर के तरफ से नमस्कार आपको भी। ओपीजी एंटरटेनमेंट धनबाद ने लिखा है, वेरी नाइस सॉन्ग गाया सर आपने, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा गाए हैं। मुकेश सिंह जी ने लिखा है, गायत्री जी एंड उषा मैम साथ में एक सॉन्ग हो जाए प्लीज। अच्छा लास्ट में प्रयास होगा। नहीं नहीं एक हो जाए, हो जाए। एस जी एंटरटेनमेंट ने लिखा है, वेरी नाइस डायलॉग्स है संजीव सर को लिखा है। ओके थैंक यू। एस जी एंटरटेनमेंट ने लिखा है, संजीव भैया प्राउड ऑफ यू। दिव्या दिव्यांशु ने झा ने लिखा है, संजीव भैया प्राउड ऑफ यू। ओके दिव्यांशु थैंक यू भाई मेरे, थैंक यू। दास फिल्म्स ऑफिशियल ने लिखा है, संजीव झा सर नाइस ड्रीम अमित अमित बच्चन साहब। ओके थैंक्स थैंक्स। प्रज्ञा दीप उपनंद ने लिखा है, गुनगुन और पुच्चू बेटा। अच्छा मैं बता दूं, ये गुनगुन मेरी बेटी है, पुच्चू भी मेरी बेटी है, दोनों मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा क्लैपिंग। ओके थैंक यू सर। ओके मुकेश सिंह जी ने लिखा है, विजय सर एक सॉन्ग प्लीज। विजय सर उन्होंने नाम में मानन नाम कंफ्यूज कर गया है, कर दिया। प्रज्ञा दीप उपनंद ने लिखा है, बहुत प्यारी आवाज की मालकिन है आप। ओके थैंक यू प्रज्ञा, आपके बारे में। ओपीजी एंटरटेनमेंट धनबाद ने लिखा है, आपकी फिल्म मैं जरूर देखूंगा सर। ओके हम भी देखेंगे, सभी मिलके चैनल हमारा पूरा लोग देखेंगे। ओके एस एंटरटेनमेंट ने लिखा है, संजय दत्त के साथ वेरी नाइस। ओके संजय दत्त के साथ शमशेरा फिल्म संजय दत्त के साथ किया था मैंने। जी जी एस एंटरटेनमेंट ने लिखा है, नेटवर्क प्रॉब्लम जी थोड़ा थोड़ा हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। ओके दास से ऑफिशियल ने लिखा है, भगवान से दुआ करूंगा जरूर आपको उनके साथ काम करने का मौका मिले, अमिताभ बच्चन साहब के साथ। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदुमन जी ने लिखा है, प्रदुमन सिंह जी ने लिखा है, 9670326184। सिंह जी ने लिखा है, आप सभी को मेरा नमस्कार, संजीव भैया जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ओके प्रदुमन जी थैंक यू ऑल ऑफ यू। और छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी ओके
वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय गेस्ट। अब सर मैं कुछ पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूंगा। सर का नेटवर्क स्लो, चलिए सर का नेटवर्क स्लो। सर आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। वोरा जी आप एक गाना सुनाए हमारे दर्शकों को, आपका भी डिमांड आया हुआ था जी। हाँ आप एक हमारे दर्शकों को सुनाए गाना, सॉन्ग। सुनाती हूँ, उषा मैम भी गाएंगी साथ में, हम दोनों मिलकर सुनाते हैं। आप शुरुआत करिए जी। ऑटोमेटिक आता नहीं है कौन सा गाना सुनाए, सोचना पड़ेगा। एक गाना है कभी यादों में आए, वो गाना आपको आते हैं उषा मैम? नहीं वो तो नहीं आती है, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, ये अगर आती हो आपको तो नहीं आती है, वो तो मैं आपके साथ गा दूंगी बाद में। अच्छा आप करें, मैं साथ दूंगी। चलिए शुरुआत करिए, नहीं तो सर जुड़ चुके हैं। अच्छा जी सर बोला जाए। सर आपको किस तरह का खाना ज्यादा पसंद होता है, वेज या नॉन वेज? देखिए मैं वेज भी खाता हूँ और नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, दोनों तरह का खाना मुझे अच्छा लगता है दोनों। सर जी आपने कभी नशा किया है? नहीं नहीं सर, मैं नशा वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, ना मैं करता हूँ जी। सर आप पार्टियों में जाना पसंद करते हैं? पार्टी में जाना मैं पसंद नहीं करता हूँ। पसंद नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया। अवॉइड करता हूँ, अवॉइड करते हैं। सर कभी आपने घर में कभी खाना किसी ओकेजन में आपने खुद प्रिपेयर किया है? सर मैं खाना बना के खाता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ। पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि देखिए इतने बड़े स्टार हैं जो वो खाना बनाना जानते हैं, तो आप लोग भी खाना बनाना, अगर खाना बनाना सीखना हो, अगर खाना बनाना सीखना हो तो हमारे सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आपको तरह तरह के व्यंजन पकाना सिखला देंगे एकदम एकदम। गायत्री मैम आप खाना बनाना जानती हैं? हाँ जी मैं जानती हूँ, बहुत सारे डिशेस मैं बनाती हूँ, बहुत सारा बनाए हैं। अगर 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 उषा मैम और हमारे संजीव सर अगर आपके घर पहुँचेंगे तो क्या खाना खिलाएंगे उनको बना करके? अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो मैं नॉन वेजिटेरियन बहुत अच्छा बनाती हूँ, बिरयानी अच्छा बनाती हूँ, तो नॉन वेज आइटम मिलेंगे। बिरयानी मेरा फेवरेट है। एक बार सर उनके गायत्री जी के यहाँ जाइएगा तो जरूर बिरयानी खाइएगा इनके हाथों से। जरूर कभी मौका मिलेगा तो 100% जाएंगे जी। सर अगर आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपका पहला कार्य क्या होगा? अगर एक दिन के लिए मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मेरा सबसे पहला कार्य होगा कि जो जितने गरीब लोग जो हैं, मतलब गरीब मींस जो अनाथ टाइप के लोग हैं, जो कि स्टेशन पे, मैं अभी शाम में मैं गया था स्टेशन पे, देखा एक बहुत बुजुर्ग महिला, मुझे बड़ा दुख हुआ, बुजुर्ग महिला एकदम एक मतलब कंबल में ओढ़ करके से बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि मतलब सरकार ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती है, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के लोगों को जो तकलीफें हो वो दूर हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपका सोच है कि आप सभी अपने लिए नहीं कुछ सोचे और हमारे जो गरीब जनता है उनके बारे में आप सोचते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। किसी को ये मेरे बहुत मतलब किसी को तकलीफ ना हो जी। सर कोरोना में आपका कोई प्रोजेक्ट है जो फंसा हुआ है? मेरा कोरोना में 3-3 प्रोजेक्ट फंसा हुआ है जो कोरोना की वजह से आ नहीं रही है जी। जी चलिए सर आप हमारे
नए हमारे जो दर्शक हैं उनको कोरोना में क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना में मैसेज यही देना चाहूंगा मैं सभी लोगों को, जितने दोस्त यार भाई बंधु हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको हल्के में मत लीजिए। कोरोना एक वायरस है, वो किसी को पूछ करके नहीं आएगा। आप प्रिकॉशन लीजिए, मास्क तो जरूर लगा करके बाहर निकलिए, और कभी भी खाना खाने से पहले हाथ को कम से कम 25 सेकेंड तक उसको धोइए, धोने के बाद तब खाना खाइए। जी बहुत बढ़िया सर। आप हमारे हमारे जो नए नए जो एक्टिंग में आना चाहते हैं जो भी दर्शक, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे नए कलाकारों को? नए कलाकारों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क करिए और काम करिए तो पूरी शिद्दत से काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई कि आज हमारे चैनल पे इतने बड़े कलाकार आए और इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि इन्होंने कहाँ कैसे पढ़ाई की और कैसे कैसे नाटक के माध्यम से फिर इन्होंने फिल्मों में प्रवेश किए और कई बड़े स्टार के साथ इन्होंने काम किया, जैसे संजय दत्त साहब के साथ इन्होंने काम किया और कई इंटरनेशनल फिल्म भी इन्होंने किए और इनका एक फिल्म जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ। तो सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि हमारे चैनल पे आप आए। सर हमारे चैनल के लिए सर बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। आप सबको बोले। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयां, इसलिए कि आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया कार्य किया है। एसपीजे एसजी इंटरटेनमेंट के जरिए आप उन सभी कलाकारों की बातों को आप रखते हैं, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और ऐसी पहल बहुत कम लोग मतलब किए हैं और कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बुस्टअप करना चाहूंगा कि एक कार्य आप करते रहिए। जब भी आपकी मर्जी होगी, अगर आप हमें बुलाएंगे और मैं फ्री रहा तो 100% आता रहूंगा, और आप लोगों को जो भी मेरे तरफ से होगा मनोरंजन करता रहूंगा। और आप लोगों को चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। जी और लोगों से मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि हाँ सुनिए एक मिनट, मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि इस चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए, इसको बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि ये जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, शिव प्रकाश गुप्ता जी, इनका जो है इनकी पावर बढ़े, ये बूस्टअप हो। और जब तक हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर चैनल कौन देखेगा? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और गुप्ता जी को प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। मैं अपने दर्शकों को बता और देना आप चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए चैनल है, इसमें जी अपने रीजनल कलाकार और बॉलीवुड के कलाकार दोनों कलाकारों के लिए है। इसमें हम किसी भी कलाकार से पैसा नहीं लेते हैं। आप लोग आए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारा नंबर है 8210325178। निसंकोच बे रोक टोक। और मैं जितने भी प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फिल्म का प्रमोशन हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बिहार झारखंड में यह चैनल आपके लिए हमेशा सेवा में तत्पर है। और सर आप हमारे चैनल को इतना समय दिए, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। उषा झा मैम आपको भी कोटि कोटि जी धन्यवाद धन्यवाद। एंड आप गायत्री वोरा जी आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपका पूरा साल मेरे और आने वाला मेरे साल तो मेरे साल तरफ से, आप लोग के लिए मंगलमय हो, हाँ यही मेरे मैं कामना करता हूँ। मेरे थैंक तरफ यू से भी, शुभरात्रि। मेरे तरफ से भी गुप्ता जी आपको, गायत्री जी ठीक आपको, है थैंक और उषा मैम अहा थैंक के, हम अहा सबके हम नया साल के शुभकामना दै छी। अहा सब खूब जी जी मतलब एना अहा सब खूब काज करत रहू, बड़ निक काज करै छी अहाँ जी सब। मैं धन्यवाद। मैथिली में बोल रहा हूँ बहुत ओके अच्छा काम कर रहे हैं, आप दे सभी रहा को जी। धन्यवाद मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू और थैंक अच्छा यू थैंक यू। थैंक यू। बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। नमस्कार, मैं हूँ हिना कौसर, मिसेज एशिया कंटेंट विनर, मॉडल, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, पिंक रोजेस इंटरटेनमेंट। पिंक रोजेस इंटरटेनमेंट लेकर आया है खास सुनहरा अवसर आपके लिए, बॉलीवुड कैलेंडर 2021, जिसमें आपको मौका मिलने वाला है फोटो शूट का, वो भी बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय जी के साथ। तो आइए आप भी हिस्सा बने इस बॉलीवुड कैलेंडर का। आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंस्ड है, ये मौका बिल्कुल आपके लिए है। तो डोंट मिस द चांस, रजिस्टर नाउ। थैंक यू।